हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग वीडियो लेके आए हैं। ये हमने कपड़ा यहाँ पर लंबाई में फोल्ड कर दिया है, डबल फोल्ड किया हुआ है, लंबाई में हमने इसे उल्टा करके फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे, इसके जो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे बेल्ट का। तो यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है 28 इंच है, 28 का फोर्थ भाग हम रखेंगे। तो 28 का फोर्थ भाग होता है 7 इंच। 7 इंच में हम 1 इंच चुन्नट के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए। चाहे आप किसी भी साइज का प्लाजो, नैरो प्लाजो बना रहे हों, सबसे पहले आप बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के निशान हम जितनी हमारी बेल्ट होती है नाप के, उसका चौथाई हिस्सा हम रखते हैं और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, 1 इंच चुन्नट के लिए, 1 सिलाई मार्जिन। तो टोटल हम यहाँ पे 28 इंच की हमारी बेल्ट है, तो 1 इंच हमने चुन्नट के लिए रखा, 1 इंच मार्जिन, टोटल हमारा 9 इंच यहाँ पर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बेल्ट। अब हम रखेंगे आसन। आसन हम रखते हैं हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप हमारी है 36 इंच, 36 का हम चौथा भाग रखेंगे, उसमें प्लस 2.5 इंच, चौथा भाग 36 का 9 इंच। तो टोटल हम इसमें 2.5 इंच प्लस करके 11.5 इंच हम रख देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने हिप का चौथाई हिस्सा प्लस 2.5 इंच मार्जिन हमने रखने के बाद ये हमारा आसन हो जाएगा। आप किसी भी साइज की नैरो प्लाजो कटिंग करेंगे तो उसमें आसन के निशान के लिए हिप का फोर्थ भाग प्लस 2.5 इंच। अब हम यहाँ से ऐसे करके थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई है हमारी 24 इंच, तो 24 का दूसरा भाग 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। थाई का यहाँ पर हम दूसरा हिस्सा लेंगे, टोटल हमने 12 इंच रखा है, 12 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम ले लेंगे प्लाजो की लंबाई। हमारी है टोटल 34 इंच, यहाँ पर से हम लंबाई 34 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच हमारा फोल्डिंग मार्जिन रहेगा, टोटल हमारा 36 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा पोंछा रहेगा उसकी चौड़ाई रखेंगे। उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर हमारा जो थाई का नाप था उसका हाफ करेंगे, 12 इंच टोटल था तो उसका हाफ हो गया 6 इंच। तो यहाँ पर से हम ये देखिए इस तरह से इंच टेप को रखते हैं, 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। इसी तरह से हम नीचे भी 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया, तो ये सेंटर हो गया। अब जो हमारा नीचे का पोंछे की चौड़ाई होगी वो हम यहाँ से रखेंगे, जो ये सेंटर है यहाँ से। जैसे हमें जो इसकी चौड़ाई चाहिए 6 इंच चाहिए, 12 इंच चाहिए, डबल में 6 इंच, पूरा 12 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटर में रखेंगे, 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, अब ये हमारा पोंछे का मार्जिन हम इस तरह से लगाएंगे। हम निशान, अगर हमें 6 इंच चाहिए तो हम यहाँ से निशान नहीं लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर जितनी हमने थाई रखी थी उसका दूसरा हिस्सा निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, फिर उस इस तरह से यहाँ पर फीते को रखते हुए 6 इंच यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, फिर
हमें 6 इंच चाहिए तो इस तरह से 3 इंच इधर 3 इंच इधर हम रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो 3.5 इंच इधर 3.5 इंच इधर ऐसे रखना है। तो अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारी सेब पट्टी है, इसकी मदद से हम इसे इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर भी हम इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। तो ये देखिए आप इसी नाप में हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर से हम इस तरह से 1.5 इंच लेते हुए ये हमने राउंड शेप दे दिया है। यहाँ पर हम म्यानी भी लगाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम जहाँ पर हमारा फोल्डिंग का निशान है छोटे से कट लगा लेंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारा कपड़ा है इसे इस तरह से ऊपर खींच लेंगे और इसमें हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम अपनी फ्रंट जो पार्ट है हमारा उसे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को कपड़े के ऊपर रख दिया है बराबर करके। यहाँ से बिल्कुल मार्जिन हमने नहीं रखना है, इधर साइड से बिल्कुल बराबर हमने रख दिया है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हम ये जो यहाँ पर ये जो आसन है यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, 2 इंच की लूजिंग रखते हैं बैक पार्ट में। तो ये देखिए इस तरह से 2 इंच हमने यहाँ पर लूजिंग रखने के बाद 2 इंच की लूजिंग हम यहाँ भी रखेंगे। अब इन दोनों लाइनों को हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर से भी हम 2 इंच यहाँ इधर को रखेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से आसन का निशान लगा देंगे। अब इस तरह से यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरह से आसन का निशान लगाने के बाद जो यहाँ पर है हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो देखिए यहाँ तक है, ये सीधी लाइन है। अब जो बैक पार्ट होता है हमारा उसमें हम पीछे का जो आसन होता है उसमें हम 2.5 इंच या 3 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच मैंने ऊपर को इस तरह से लाइन खींची और इस यहाँ पर से हम इसे इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। ये देखिए
3 इंच हमने बैक पार्ट ऊपर को एक्स्ट्रा रखा, फिर इस लाइन को हमने बिल्कुल यहाँ तक मिला दिया है जहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट था। इस तरह का शेप इसमें आता है, यही डिफरेंट होता है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में। अब यहाँ पर भी हम यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट में हम 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रखते हैं और 3 इंच ऊपर को भी आसन बैक पार्ट में ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ भी हमने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दे दी है। ये हमारी सिलाई के लिए लूजिंग होती है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। लूजिंग हमने इधर साइड को रखनी होती है, इधर साइड को हमारी कोई लूजिंग नहीं होती है, इधर साइड को फ्रंट और बैक दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको नैरो पैंट की कटिंग करना बताया है। फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच ऊपर को काटते हुए इस तरह का निशान लगाया था, और यहाँ पर भी हमने 2 इंच की आसन में लूजिंग रखी थी, और यहाँ भी हमने 1.5 इंच की लूजिंग रखी थी। तो अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग, फ्रंट और बैक दोनों का बेल्ट हम निकालेंगे। बेल्ट की कटिंग हम, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम इस तरह से नाप लेंगे। टोटल हमारा 8 इंच है और इसमें 1 इंच की हमारी चुन्नट जाएगी और 1 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो हमारा टोटल 7 इंच और डबल में 14 इंच। तो जो हमारा आगे का बेल्ट है वो हम 14 इंच का रखेंगे, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे ताकि जो भी कम ज़्यादा होगा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फ्रंट का बेल्ट जिसे हम इस तरह से लगाएंगे डबल करके ऐसे करके, और इसमें हमारा या तो हम इलास्टिक डालेंगे या फिर ये इससे हम फ्रंट की ओर बेल्ट बनाएंगे, पीछे की ओर इलास्टिक बना रहे, कोई पूरे में इलास्टिक डालते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया, तो बैक पार्ट हमारा टोटल है 12.5 इंच है। तो इस तरह से ये भी हमारा लगभग 26 इंच है टोटल, जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो इसे भी ये हमारा बैक पार्ट का बेल्ट हो गया। तो अब हम करते हैं म्यानी की कटिंग, हमारा जो सलवार है उसमें हम म्यानी लगाएंगे। म्यानी बनाने के लिए इस तरह से ये हमारा डबल है, इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पर से हमारा टोटल 2.5 इंच होगा, थोड़ा बहुत सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम
लगभग 3 इंच हमने रख दिया है, 3 सवा 3 इंच इस तरह से। और लंबाई हम इसकी 8 इंच रखेंगे। अब इस निशान को इससे हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम एकदम तिरछा नहीं देंगे, हल्का हल्का सीधा ले जाएंगे, फिर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर करीबन 1/2 इंच हम ऊपर की ओर लेके ये देखिए इस तरह का शेप देंगे। ये हमारी म्यानी हो गई। तो ये देखिए हमारी दोनों तरफ की म्यानी निकल गई है। बेल्ट की कटिंग हो गई, म्यानी की कटिंग हो गई। अब हम निकालेंगे पॉकेट। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। कपड़ा हमारा यहाँ पर डबल में है। यहाँ से हम करीबन 7 इंच लेते हैं इस तरह से, और लंबाई पॉकेट की यहाँ पर 7 इंच पर हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। और पॉकेट की लंबाई हम रखेंगे 13 इंच। यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच रखा और नीचे 7 इंच रखा हुआ है। अब इस निशान से इस निशान को हम इस तरह से हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम इसे इस तरह का राउंड शेप देंगे यहाँ पर। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पॉकेट की कटिंग की जाती है। मैं एक ही पॉकेट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो कस्टमर हैं उन्होंने एक ही पॉकेट लगाने को बोला। आप दो पॉकेट लगाना चाहे तो इसी को यहाँ पर इस तरह से रखते हुए दूसरी पॉकेट का को भी कट कर सकते हैं। तो मैंने एक ही पॉकेट करना है। तो इस तरह से जो नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग थी वो पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, आपको समझने में कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो यूज़फुल लगे, अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।